तो कि ये लगाने पर इस तरह का कुछ एरर दे रहा है बैटरी का, और हमें इसके अंदर बेसिकली ढूंढना है आईडी का लाइन, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आता है ये लाइन दे रहा है और गेट कनेक्टेड है इस रजिस्टर से, ठीक है। ये अलग होता है, ये हमारा जो बैटरी का एरर आ रहा है क्योंकि इसके अंदर बैटरी बन के आ रही है, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। अब आप नोटिस करो, यहाँ पर हमें जो अपनी सप्लाई, तो आप देख लीजिए हमने आईसी को उठा दिया है। अगर आपके पास ये हैंड स्किल नहीं है, आप इस तरह की हैंड स्किल चाहते हैं कि आप आईसी का काम करें, ब्लैक पिस्टेड हो या नए बोर्ड हो, तो आप हमें ज्वाइन कीजिए एसर टेलीकॉम जबलपुर में, वीवो के सेट में अगर वो टेम्परेचर दे दें, पर जनरली वीवो के सेट में वो आईडी देते हैं और टेम्परेचर को वाला थर्मिस्टर के साथ में डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमें जो पैड डिटेलिंग दी है वो थोड़ी गलत दी है, जबकि यहाँ पे 9 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर 1 होना चाहिए था। सो हाय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग, मैं देवेंद्र अग्रवाल एसर टेलीकॉम से। मैं आज आपको एक पोको S3 प्रो का एक बैटरी का एरर का सोल्यूशन देने वाला हूँ। ये काफ़ी चिप लेवल पे एक सोल्यूशन रहने वाला है और ये थोड़ा बोर्डनियों से हट के रहेगा। इसके जो सोल्यूशन है वो मार्केट में बिल्कुल नहीं है, कह सकता हूँ कि यूट्यूब में एक नया वीडियो है। और अगर आपको ये वीडियो पूरा देखेंगे, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया, तो मुझे नहीं लगता कि ये सोल्यूशन आप और किसी फ़ोन से आप अपनी शॉप से लौटाओगे, क्योंकि ये भी एक रिटर्न, एक अदर शॉप से रिटर्न एक मोबाइल है। आओ मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि इस मोबाइल में किस तरह का एरर आ रहा है। ये पोको S3 प्रो के जो सीरीज़ हैं या अभी के जो डुअल डेकर की सीरीज़ हैं, या हम कह सकते हैं कि 5G सीरीज़ में जो हमारे सर्किट होते हैं बैटरी के, वो बिल्कुल अलग होते हैं। आप देख सकते हो कि ये लगाने पर इस तरह का कुछ एरर दे रहा है बैटरी का, तो बेसिकली फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, फ़ोन को ऑन करने के टाइम पे यही एरर आ रहा है। सो बेसिकली इस एरर को कैसे हल करेंगे और किस तरीके से बिना CPU उठाए या किस तरीके से बिना ज़्यादा काम किए हुए या बोर्ड को टेम्पर किए हुए इस एरर को हमें निकालना है, ताकि ऐसे एरर्स आप भी बहुत ईजिली निकाल सकें। इसके अलावा ये वीडियो इसलिए देखिएगा क्योंकि मैं आपको एसर टेलीकॉम के बारे में बताऊँगा, जिसमें एसर टेलीकॉम की डिटेलिंग दूंगा, क्या आपको हॉस्टल मैच और कितना सीखने को मिलेगा और कितने एक्सपीरियंस से हम कितने सालों से काम कर रहे हैं और हमने कितने अपने पुराने सालों में कितने अच्छे अच्छे स्टूडेंट दिए हैं मार्केट के अंदर जो आज टीचर बन चुके हैं। खैर, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली इस वीडियो में, पूरा देखिए। सबसे पहले एसर टेलीकॉम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट acertelecom.in पे जा सकते हैं, जिस पे आप हमारे पुराने बैचेस को हम देख सकते हैं, जो हमारे पुराने बैचेस हैं जो हमने स्टूडेंट को पढ़ाए हैं। हमारे यहाँ स्टूडेंट को पढ़ाने के साथ में एक करिकुलम एक्टिविटीज़ भी होती है, जिसमें हम क्रिकेट मैच हमारे बच्चों के साथ में, क्योंकि जब देश विदेश से इतने दूर दूर से बच्चे आते हैं तो उनके साथ में वक्त मिलता है बहुत सारी चीज़ करने का। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी ग्रुप फोटोज़ आपको मिलेंगी, ये हर मंथ के हमारे स्टूडेंट हैं जो हम यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। इवन हम कम से कम 8 से 10 साल, हमारा एक पास्ट काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है। आप हमारे को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक में आपको सिर्फ सर्च करना है एसर टेलीकॉम, और आप देख सकते हैं कि हम फेसबुक में डेली लाइव रहते हैं, और ये इंडिया का पहला एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो डेली लाइव रह के अपने लोगों को, अपने जो टेक्नीशियन भाइयों को, उनको बताता है कि भैया किस तरीके से हम यहाँ पे पढ़ाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो अभी भी लाइव चल रही हैं, और जो सॉफ्टवेयर की चल रही हैं, जिसको दुर्गेश सर अटेंड कर रहे हैं, दुर्गेश सर सॉफ्टवेयर के काफ़ी एक्सपर्ट टीचर हैं और कम से कम उनके पास में 6 से 10 साल का अनुभव है दुर्गेश सर के पास में। और इसी क्लास के बाद हमारी EMMC की क्लास चलने वाली है, जो इसके अपग्रेड होगी, जिसको मिलन सर लेंगे EMMC में, जिसमें हमें UFI प्लस JTAG आपको बताएंगे, तो वो भी आप क्लासेस लाइव देख सकते हैं। बड़ी क्लासेस म्यूट रहती हैं, तो आप इसको लाइव देख सकते हैं कि एटलीस्ट हम सुबह से रात तक किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी हाइट या ट्रांसपेरेंसी हम पूरी रखते हैं, हाइट बिल्कुल भी हम रखते नहीं है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देश का एक पहला एक ऐसा मात्र इंस्टीट्यूट है जिसके 5 लाख के ऊपर फॉलोअर्स हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और ये हमारी डिटेलिंग है। और आप चाहें तो हमारे लाइव हमें यूट्यूब में भी देख सकते हैं, अगर आपके पास फेसबुक की आईडी नहीं है, आप फेसबुक नहीं चलाते, तो आप हमें यूट्यूब में भी लाइव देख सकते हैं। आप देखें कि इस समय हम यूट्यूब पर भी लाइव चल रहे हैं। हमारा जो चैनल का नाम है वो एसर टेलीकॉम टेक गुरु मोबाइल इंस्टीट्यूट है, आप एसर टेलीकॉम डालेंगे तो भी आ जाएगा। और आप देखिए कि इस समय हम यूट्यूब पर भी लाइव चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं। क्योंकि अभी क्या है, अभी आप किसी भी इंस्टीट्यूट चले जाओ, आपको यही नहीं पता चलेगा कि वो पढ़ा कैसे रहे, और आप डेमो में किसी भी तरह का आप अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2 दिन 3 दिन ये आपके लिए सफिशियंट ही नहीं है। इसलिए आप हमें पूरे महीने भर देखिए कि हम स्टूडेंट को किस प्रकार का गाइडेंस दे रहे हैं। इसके साथ आप मेरे पर्सनल चैनल पर जा सकते हैं देवेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल पर, जिस पर मैं डेली लाइव आता हूँ, और यहाँ पर आपको बड़े बड़े हैंडसेटों के आपको डेली लाइव यहाँ पर रिपेयरिंग और आपको सर्किट के सोल्यूशन देता हूँ। जैसे आप देखिए कि कल 13 घंटे पहले मैंने लाइव आया था, 1+8 के 5G नेटवर्क को एक्सप्लेन किया था। उससे पहले मैंने उसी दिन पहले एक ओप्पो का मोबाइल लाइव नेटवर्क बनाया था, फिर मैंने 5G नेटवर्क को एक्सप्लेन किया था, साथ में मैंने iPhone XR
का मैंने सीपीयू और बेसिकली सीपीयू लगाया था, तो ये भी मैंने लाइव बाईपास चिप मैंने आपको बताई, मैंने यहाँ पर आपको स्वैपिंग लाइव बताई, तो यहाँ पर मुझे एक बोर्ड की स्वैपिंग करनी थी, तो हमने उसका सीपीयू और हमने एमएमसी निकाल कर उसको स्वैपिंग किया, तो ये भी आप यहाँ पे लाइव देखेंगे। इसके अलावा S20 Plus के आपको बहुत सारे सर्किट के ऑडियो सर्किट हो गया, डेड सर्किट हो गया, AMOLED डिस्प्ले सर्किट हो गया, ये सारे सब कुछ आपको यहाँ पर लाइव मिलने वाले हैं। तो आप सिर्फ YouTube देखकर क्यों आप संतुष्ट रह रहे हैं, आप क्यों नहीं मेरे पास आ जाते हैं, आप हमारी टीम के पास आते हैं, और मैं आपको सच बता रहा हूँ कि हमारी टीम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस पीसीबी में क्या फॉल्ट है आइए पता करते हैं, मैंने पीसीबी को निकाल के आपके सामने दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बैटरी कनेक्टर के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो बैटरी कनेक्टर है इसमें एक सिरा आपका थर्म का है, दो सेंस है, और एक आपका बैटरी आयो है, आईडी नहीं है, आयो बोलते हैं इसको। मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, देखो बोर्नियो से पढ़ोगे तो आधा अधूरा है, हमेशा बोलता हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको बैटरी थर्म है, ये आपको सेंस है, और ये आपका लाइन खाली दे दिया है। तो ये जो खाली लाइन है, पहले मैं अगर इसके बारे में बताऊँ, यहाँ पर दिखाइए, देखिए तो ये जो खाली लाइन है इसके बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये वाला जो है ये बैटरी थर्म का है, तो इससे हमें टेम्परेचर का एरर आता, पर हमारा टेम्परेचर का एरर नहीं है। ये वाला जो हमारा है सेंस का है, तो ये एरर भी अलग होता है, ये हमारा जो बैटरी का एरर आ रहा है क्योंकि इसके अंदर बैटरी बन के आ रही है, ठीक है, इस तरह से। तो ये वाला जो है ये हमारा आयो का है, आयो की लाइन है, ये सीपीयू में जाती है। तो ये लाइन कहाँ जाती है इसके लिए मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ, नोटिस कीजिएगा। तो ये लाइन यहाँ पर इस मॉसफेट पर जाती है, ये देखें, तो वो जो लाइन है जो आपकी बैटरी की ये वाली जो लाइन है, ये लाइन आपकी इस कनेक्टर पे, इस टेस्ट पॉइंट पे या इस पैड पे, यहाँ पे आपका ड्रेन है, ये मॉसफेट है ना, ये सोर्स है, और ये आपका गेट है। तो ये बेसिकली इधर कनेक्ट होती है, ठीक है, और ये जो सोर्स होने वाला है आपका, ये बेसिकली ये सोर्स इधर से कनेक्टेड है, और ये सोर्स कनेक्टेड आपका सीपीयू से, और ये आपको आईओ लाइन दे रहा है, और गेट कनेक्टेड है इस रजिस्टर से, ठीक है। तो बेसिकली गेट के साथ क्या है, एक रजिस्टर को वैल्यू, एक रजिस्टर को हाई किया है, यहाँ पर आपका आईओ पॉइंट है। तो इस तरीके से एक मॉसफेट को ये दिखा रहे हैं। अभी कैसा है, गेट एनेबल होगा ना, तो ये सोर्स और ड्रेन मिल जाएगा, जिस वजह से ये आईओ पॉइंट पूरा हो जाएगा और सीपीयू इससे डिटेक्ट कर लेगा। पर ये भी हमारा सप्लाई नहीं है, क्योंकि हमारा सप्लाई बैटरी का है, मतलब हमारा सप्लाई आईडी का है। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आता है, तो ये आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये जो प्रॉब्लम आता है, ये आता है आपके सब पावर आईसी से, या आप उसको कह सकते हैं ये प्रॉब्लम आपको मिलने वाला है आपकी चार्जिंग आईसी से, ठीक है। तो चार्जिंग आईसी, क्योंकि इसके अंदर अब हमें इसके अंदर हमारे कुछ पैड को देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, और हमें इसके अंदर बेसिकली ढूंढना है आईडी का लाइन, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आता है ये प्रॉब्लम आईडी की लाइनिंग की वजह से आता है। आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन, जो जिसको हम बीएसआई बोलते हैं, पर क्योंकि बीएसआई कनेक्टर पर नहीं है तो इसका मतलब BSI हमारी IC के अंदर है। अब देखो जिस भी सेट के अंदर जब BSI नहीं देते हैं तो उस सेट के अंदर वो BSI को एक लॉजिक लो या लॉजिक हाई इस तरीके से बनाते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारी इस IC को रिमूव करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका डायग्राम नहीं है। देखिए थोड़ा यहाँ पे जूम करके दिखाइए, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे पोको का S3 Pro, यहाँ पर मैं खोलना चाहूँगा, ये है और S3 Pro, ये देखिए यहाँ पे दिखाइए थोड़ा जूम करके। यहाँ पर आपको सिर्फ बिटमैप है, आपको डायोड वैल्यू है, और आपको हार्डवेयर सोल्यूशन है। हाँ, आपको डायोड वैल्यू भी काफ़ी आपको समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको एक मिल जाता है ICO ऑन बोर्ड, जिसके अंदर आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी, तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। अब आप नोटिस करो, यहाँ पर हमें जो अपनी सप्लाई ढूंढनी है वो सप्लाई हमारी बैट है। सो अगर हम यहाँ पर सप्लाई ढूंढेंगे तो यहाँ पर हमारे को ये देखो बैट ID यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, तो ये हमारी सप्लाई है। तो हम यहाँ पर ये सप्लाई को ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं कि ये सप्लाई बेसिकली हमारी कहाँ जा रही है, किधर है। और अगर हम इसको डायग्राम से जाएं तो हम इसका रेफरेंस डायग्राम लेंगे। अब इसका रेफरेंस डायग्राम कैसे लेना है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लास में बहुत बेहतर तरीके से सिखाऊंगा।
और उम्मीद से बढ़कर आपको मिलेगा एसर टेलीकॉम में, क्योंकि हमारे हैंड स्किल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप देखो मेरे पास जो आईसी का डाटा सीट है वो है PM8150, और यहाँ पर जो मेरे पास आईसी लगी है वो भी मेरे पास आईसी लगी है, आप नोटिस करोगे यहाँ पर जो मेरे पास आईसी लगी है वो भी आप देखो तो PM8150B। तो हमें क्या करना है, PM8150B को ही लेके चलना है और हमें इसको सर्च करना है PM8150B और एंटर मारना है, ठीक है। और जहाँ PM8150B ये जो है हमें इस पूरी आईसी के पैडों को पढ़ना है, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। इसमें कैसा रहेगा, इसमें आपको देखना है कि आपके जो बैटरी के रिलेटेड कौन कौन से पैड हैं, तो आपको आईसीओ की डिटेलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इस आईसी को उठाऊंगा, आप देख सकते हो ये एक ब्लैक पेस्टेड आईसी है, तो सबसे पहले हम इसका जो आई साइड का जो ब्लैक पेस्ट है वो कट करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक लेयर मेरी कट हो गई है। यहाँ पर आप देखिए जी कंपोनेंट बहुत पास में लगे, तो हमें ध्यान देना है कंपोनेंट का। ठीक है, तो ये हमारी दो लेयर कट हो गई है, तीन साइड से लेयर कट हो गई है। अब ये हमारी लास्ट साइड है, ये जो कॉइल है ये आपका स्विचिंग के कॉइल है, ये आपके बेसिकली इसी की वजह से आपकी चार्जिंग इनेबल होती है, आप ये कह सकते हो ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉइल है। उसमें ऑडियो देखते रहना अरमान, ऊपर डिस्प्ले में है ना, दोनों ग्रीन रहना चाहिए। आप देख लीजिए, तो अब हम इस आईसी को रिमूव करेंगे। हमें इस आईसी को रिमूव करने के लिए एक साइड से उठाएंगे हम इसको, तो आप देख लीजिए हमने आईसी को उठा दिया है। अगर आपके पास ये हैंड स्किल नहीं है, आप इस तरह की हैंड स्किल चाहते हैं कि आप आईसी का काम करें, ब्लैक पेस्टेड हो या नए बोर्ड हो, तो आप हमें ज्वाइन कीजिए एसर टेलीकॉम जबलपुर में। आप हमारे पास आइए, आप इंडिया में किसी भी जगह में हो तो आपके हॉस्टल की, आपकी रहने की, आपके पर्याप्त खाने की
मैथ्स की सारी सुविधा सब कुछ फ्री रहेगी, सब कुछ कोर्स की फीस में इंक्लूडेड है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको रहने का अलग पैसा देना है, खाने का अलग देना है, फीस का अलग देना है, हर चीज़ आपकी कोर्स के अंदर है और सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं आईसी लेवल पे वर्क, क्योंकि अगर हमें उस सर्किट को रिपेयर करना है तो हमें इस आईसी को तो निकालना पड़ेगा ही, क्योंकि इसका ना डायग्राम है, और अगर हमें आईसी के अंदर के पैडों पे जाएंगे नहीं तो आईसी को रिवॉल्व करके लगाने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आईसी क्लीन के बाद हम आईसी को रिवॉल्व करेंगे, और आईसी को रिवॉल्व करके बाजू में रखेंगे और अपने पैडों को चेक करेंगे। हमें मार्केट में काम इस तरह से करना है कि अगर कोई काम नहीं भी हुआ तो भी हमें सेम कंडीशन में सेट देना आना चाहिए, नहीं तो आज के टेक्नीशियन आईसी तो निकाल लेते हैं बट उसको डैमेज कर देते हैं पूरी तरीके से और कस्टमर का सेट डेड हो जाता है।
तो आप, ये हमारी रिबॉलिंग डन हो चुकी है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम अपने सर्किट को चेक करेंगे। इतना लंबा समय में इसलिए लगा क्योंकि ये एक ब्लैक पेस्टेड आईसी थी, अदरवाइज आईसी निकालना लगाने में इतना टाइम लगता नहीं है। तो हमारा आईसी रिबॉल हो चुका है, हम आईसी को साइड में रख देते हैं। अब हम सर्किट पर जाते हैं, अब हम सर्किट को समझते हैं। देखिए, अब हमें सर्किट को समझना है कि हमें चेक क्या करना है। हमें इसके अंदर आईडी का पॉइंट ढूंढना है। आप इधर देखिए, तो अगर हम इसमें आईडी का पॉइंट बताएं तो ये 102 नंबर के पैड पर है। ठीक है, हमें यहाँ पर 102 नंबर का पैड गिनना है, जो कि हम यहाँ से गिनते हैं। यहाँ से नोज का पॉइंट है, यहाँ से गिन के अगर हम गिने तो मैं एक बार गिन लेता हूँ। तो यहाँ से, तो हम यहाँ से अब पैड गिनेंगे और पैड गिन के यहाँ से हम एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज चलेंगे और 1 2 3 4 5 गिनना हमें, क्योंकि हमें 102 ढूंढना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से हमें जाना है 102। तो 102 नंबर हमारा इधर आ रहा है, मैं आपको इधर बताना चाहूँगा। बेसिकली इस नंबर को मैं चेक करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पर इसका बिट मैप खोल सकता हूँ। ये देखिए, अब आप नोटिस कीजिएगा, यहाँ पर बिट मैप में अगर हम यहाँ पे सो इन पैड इन्फो करते हैं तो यहाँ पर हमें जो पैड डिटेलिंग दी है वो थोड़ी गलत दी है, जबकि यहाँ पे 9 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर 1 होना चाहिए था। ये पैड डिटेलिंग थोड़ी सी गलत है, ये रीज़न, ये बोर्डियों के जो गलतियाँ हैं या स्कीमेटिक की गलतियाँ हैं, थोड़ा अनुभव ही आदमी पहचान पाता है, पर ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सो इस तरीके से हम जाएंगे। तो हमारा ये पैड 102 नंबर का होने वाला है, जिसको हमने अभी गिना है यहाँ से। आपने पूरा काउंट करना है इसको, तो ये 14 × × 2 × कर कर करके आप इसको 102 पे जा सकते हैं। सो आप देखो, यहाँ पर एक रजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए, जब भी अगर हम आईडी की बात करें और आईडी हमारा कनेक्टर पे ना हो, यहाँ पर ये बिल्कुल वीवो के सेटों में भी यही होता है। जैसे वीवो के सेट में अगर वो टेम्परेचर दे दे, पर जनरली वीवो के सेट में वो आईडी देते हैं और टेम्परेचर को वाला थर्मिस्टर के साथ में डाल देते हैं। तो ये पुराने सेटों में होता था, 3G सेटों में, तो वो क्या करते थे कि आईसी के अंदर के पैड से एक रजिस्टर को ग्राउंड कर दिया जाता था, और ये रजिस्टर जनरली 10K या 100K इस तरीके का यूज़ किया जाता था। तो बेसिकली ये सप्लाई एक तरह से हम कह सकते हैं एक लॉजिक लो इनेबल सप्लाई है। जब तक ये रजिस्टर रहेगा या आईसी इसको आईसी आईडी को डिटेक्ट करेगा, इनकेस रजिस्टर नहीं रहा या आईसी ख़राब हो गया या पैड ख़राब हो गया, तीनों में से कोई भी, तो ये आपको ये बैटरी एरर देखने को मिलेगा। आओ हम चलते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको कोई वैल्यू या क्योंकि अभी कैसा है, यहाँ से हमको कोई रजिस्टर लगा हुआ है या नहीं है यह हमें देखना है। तो सबसे पहले मैंने मल्टीमीटर को ऑन किया है, ठीक है, और डायोड मोड पर डाला है। अब यहाँ पर हम ये पैड देखेंगे, जो कि यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर का पैड होने वाला है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो फिलहाल तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग हमें दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। अब इसके साथ एक रजिस्टर कनेक्टेड है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, पर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ कंपोनेंट निकले हुए हैं। तो हम क्या करें, क्यों, रीज़न क्या है इसका, ये CPU रिबॉल है, तो ये ऑलरेडी किसी टेक्नीशियन ने, आप देख सकते हैं, इस पर काम किया हुआ है। और ये इसका जो पोको S3 प्रो का जो कॉमन इशू होते हैं, जो ये डेड हो जाते हैं, लोगों पे आ जाते हैं, ये इनके CPU की वजह से होता है। और आप देख सकते हो इसका जो CPU है वो ऑलरेडी रिबॉल है। तो ये देखो, ये आप देख सकते हो इसका जो CPU है वो ऑलरेडी रिबॉल है। ये RAM है और ये आपका CPU है। तो हम, ये हो सकता है मे बी, और इवन CPU ही नहीं, इसका जो UFS है वो भी रिबॉल है,
दोनों ही पेयर को रिवॉल्व करके लगाया गया है, ये भी आपका इसका भी ग्लू कटा हुआ है, तो हो सकता है कि ये निकालते लगाते समय कॉम्पोनेंट निकल गया हो। तो हमें करना क्या है, हम यहाँ पे एक रजिस्टर लगाएंगे, ठीक है, और ये रजिस्टर रहने वाला है। हम यहाँ पे 10K का रजिस्टर लगा सकते हैं, 100K का रजिस्टर लगा सकते हैं। तो हम पहले 10K का रजिस्टर लगाते हैं और IC को रखते हैं, और अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत आई तो हम 100K का लगाएंगे। पर पहले मैं लाइन की ट्रेसिंग कर लूँ कि ये कनेक्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो देख लो आप, यहाँ रखूँगा IC के 102 नंबर के पैड पे और इस रजिस्टर के पैड पे। तो देखो ये बीप दे रहा है, देखो इस कॉम्पोनेंट से तो बीप देगा नहीं, इस ये बीप दे रहा है, इसका मतलब है कि ये लाइन कनेक्टेड है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम IC को रख देते हैं। पहले हम रजिस्टर को बिठाते हैं यहाँ पर, और अगर हमारा रजिस्टर वैल्यू के हिसाब से जजमेंट नहीं किया तो हम वैल्यू को चेंज कर देंगे, फिर हमें IC उतारने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तो हम क्या करते हैं कि हम रजिस्टर लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो रजिस्टर लगाने की जगह भी बहुत कम है हमारे पास, तो ये स्किल वाले काम है। और अगर आप काम करना नहीं जानते हैं तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे आपका महंगा जो सेट है वो डेड हो जाएगा। सबसे पहले मैं ये पैड बनाना होगा, क्योंकि ये पैड ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक रजिस्टर लेंगे तकरीबन 10K का, तो हम किसी दूसरे बोर्ड से वो रजिस्टर को निकाल लेते हैं। ये रजिस्टर यहाँ पर जो लगे हैं ये 10K के रजिस्टर है। मैं आपको इसकी वैल्यू भी चेक करवा देता हूँ पहले, तो आप थोड़ा आगे आइए, ये देखिए। तो आप ये मल्टीमीटर में देखिए, इधर आइए, यहाँ पर देखिए, ये मेरे ओम्स में है। तो हम इसको चेक करते हैं, तो देखो वैल्यू ये दिखा रहा है 9.8, ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू सही है। चलिए अब इसको चेक करेंगे, चेंज करेंगे,
ठीक है, तो रजिस्टर हमने लगा दिया है, एक कॉम्प्लेंट और निकला हुआ है, वो हम देखेंगे किसका होगा, अगर कोई दिक्कत जाएगी तो। अब यहाँ पे हम आईसी लगा देते हैं, हमें नोज कट पॉइंट देख के बिल्कुल सही लगाना पड़ेगा आईसी। तो आईसी मूवमेंट करेगी थोड़ी अपनी खुद से, तो हमारी आईसी लग गई है। ये जो सारा प्रोसेस था, आई होप कि आपको समझ में आया हो और सर्किट का आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला हो। मैंने आपको आज पोको एस थ्री प्रो का उस सर्किट का नॉलेज दिया है जिसका स्कीमेटिक नहीं है, विदाउट स्कीमेटिक लेवल पे हमने इस पर काम किया है और हमने इसकी बैटरी कनेक्टर की आपको आज सही लेवल पे जानकारी दी है। पूरे यूट्यूब में अभी तक बैटरी लेवल कनेक्टर की जानकारी नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि ये यूट्यूब का पहला वीडियो आपका होने वाला है। हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे सर्किट को, अब अगर फिर से वो रिजल्ट आया तो हम अपने रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करेंगे। देखिए अभी हमारा परसेंटेज पे आ चुका है, ये देखिए ये देखिए, तो जो जो हमें पहले प्रॉब्लम आ रही थी और हमारा फ़ोन अब ऑन भी हो चुका है। तो ऐसा ही अगर आपको सीखना है और आप चाहते हैं कि इस तरीके से आप आगे जाएं, बढ़ें,
और सर्किट को समझें तो आप एसर टेलीकॉम ज्वाइन करें। एसर टेलीकॉम दावे से कहता है कि आपसे काम कराएगा, देखिए सेकंड लोगो भी आ गया, और एसर टेलीकॉम गारंटी देता है और टीचर में दम है आपको काम कराने की। आप 14 दिन में लाइव CPU लगा के बैठेंगे और डेली लाइव CPU करेंगे। ये देखिए हमारा फ़ोन भी, देखिए चार्जिंग मोड भी दिखा रहा है, थोड़ा दिखाओ। ये देखो फ़ोन में अभी हमारा चार्जिंग मोड दिखा रहा है, 2% पे था, अभी 1% पे था, अब 2% पे चला गया है, चार्जिंग मोड भी आ रहा है और हमारा फ़ोन पूरी तरीके से वर्किंग कर रहा है। सो ये वीडियो कैसा लगा आपको आप बताएगा ज़रूर। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत टेक्निकली नॉलेज दिया है और आपको ये कह सकता हूँ वर्ड फर्स्ट ये वीडियो आप मान सकते हैं, क्योंकि YouTube में अभी तक बैटरी कनेक्टर को लेके इतनी लेवल की जानकारी किसी टीचर ने नहीं दी होगी, क्योंकि हमारे लिए नॉलेज बहुत थोड़ा है। हम आपसे इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज दे सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आप MD सर को कॉल लगाओ 7000731192। MD सर सिर्फ कॉलिंग उठाने वाले हमारे कोई मैनेजमेंट के आदमी नहीं, वो एक टीचर भी हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि जिनसे आप बात करेंगे वो इंडिया के एकमात्र ऐसे टीचर हैं जो 20 से 30 बच्चों को एक साथ लाइव CPU लगवाने की दम रखते हैं। तो उनका स्किल, उनका नॉलेज अलग लेवल पे है। कल हमारी जो क्लास हुई थी वो हमारी डुअल डे करके थी, जब हमने हर बच्चों से रैम क्लीनिंग करवाई। हम हर चीज़ को एक बार में नहीं करवाते, हम पार्ट टू पार्ट में करवाते हैं ताकि उनका सक्सेस रेट बढ़ जाए। हम एक बार ही आपको ICU, CPU, MMC, पावर सब एक ही दिन में लगवा के आपको बता दें तो आप उसका कुछ भी नहीं कर पाओगे। डेली करोगे तो आपके हैंड स्किल बढ़ेगी। इसके लिए आप YouTube को फॉलो करो, Facebook में डेली लाइव देखो, और अभी इस महीने आपके पास चांस है, आप इसे टेलीकॉम को ज्वाइन कर सकते हो। और इस महीने 25 तारीख की बैच हमारा, आप वहाँ पे आइए, 28 तारीख की बैच होती है, आप 25 तारीख तक हमें ज्वाइन कीजिए, हॉस्टल आइए हमारे। और नहीं आ रहे अगले महीने आ रहे तो हॉस्टल का लाइव वीडियो देखिए, हमारे स्टूडेंट का लाइव वीडियो देखिए। और मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि अगर आप इसमें से, यहाँ दिखाता हूँ, अगर आप इसमें से किसी भी एक स्टूडेंट से बात करना चाहते हैं यहाँ पर बैठे हुए, ये देखिए किसी भी एक स्टूडेंट से लाइव बात करना चाहते हैं यहाँ पर, ये जो स्टूडेंट है तो हमारे साथ है 28 अप्रैल की भी है, जोश है कि नहीं है? कल हमने देखो स्टूडेंट की खुशी, देखो आप स्टूडेंट के चेहरे देखो, कल उनको नेटवर्क पढ़ाया था, नेटवर्क पढ़ने के बाद लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, पर यहाँ देखो क्योंकि उनको नेक्स्ट लेवल पर नेटवर्क की जानकारी दी मैंने और MD सर ने उनको प्रैक्टिकल दिया प्लस IC लेवल पे काम। नेटवर्क सेक्शन की बात करें तो किसी से भी दीपा को, किसी से भी अगर आपको बात करना है आप 7000731 पे कॉल करें और आप वीडियो कॉल करें पूरी लाइव क्लास के सामने, हर बच्चे के सामने, और आप पूछें कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, मैं आऊँ आपकी गारंटी से आऊँ, आप मुझे पैसा वापस करेंगे, ये गारंटी अगर आप वो बच्चा दे देना तो आप इसे टेलीकॉम को ज्वाइन करना। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है? और ये वीडियो पूरा देखिए। डाउट क्लियर है? एक लाइन क्लियर है? अभी मैं बात करूं नेटवर्क सेक्शन में आपसे कि अब नेटवर्क सेक्शन में कितने पॉइंट है हमको टेस्ट करने के लिए? बहुत सारे पॉइंट है। क्या हम एंटीना कनेक्टर से लेके CPU तक जा सकते हैं? CPU की पेड लाइन चेक कर सकते हैं? कौन कौन चेक कर सकता है? बाय प्रैक्टिकली, बाय थ्योरिकली, 2G 4G PA पे काम करना है, उसमें 6-1 लगी हो, हेलो 6-1 लगी हो, WD। तो आप देख सकते हो ये पूरा प्रैक्टिकल, ये पूरी लैब है हमारी यहाँ पर। चलिए ठीक है, मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट। आज बड़ा दिन है और मेरे को हर स्टूडेंट करके बताएगा, कौन कौन करके बताएगा? ये देखो सारे, ये CPU डेटा जिस दिन हम CPU कर रहे थे, तो क्या ठीक है? थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। मजा किस किस को आया? आज पहली बार हुआ कि एक टीम जीती और उसका दूसरी टीम जो थी जो हारी थी वो फिर जीत गई। जीत हार कुछ नहीं है, खेल में मजा आया और सबने खेला। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे IC लेवल का काम नहीं आता?
और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही YouTube में सल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है? हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास। यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है, ना कि फोन टीचर से फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है। यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है, जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप मोबाइल टेक्नीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो, तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4थे दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी। यहाँ हॉस्टल मेस की सुविधा फ्री है। हम बनाएंगे आपको टेक्नीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है।